प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए गांधीनगर में सेमीकॉन इंडिया 2023 कॉन्फ्रेंस सम्मेलन का किया उद्घाटन। पीएम ने उभरते हुए मध्य वर्ग को भारत की आकांक्षाओं का पावर हाउस बताया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महेंद्रगढ़ के कनीना और सुंदराह गांव में जनसंवाद कार्यक्रम में सुनी ग्रामीणों की समस्याएं और अधिकतर का मौके पर ही निपटान किया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पंचकुला में सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित महिला सम्मान समारोह में की शिरकत। कहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम से प्रदेश में लिंगानुपात में अभूतपूर्व सुधार हुआ। और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में अग्नि व आपातकालीन सेवाएं, गृह विभाग, उद्योग व वाणिज्य विभाग और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठक। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में सेमकॉन इंडिया 2023 कॉन्फ्रेंस सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का विषय भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को उत्प्रेरित करना है। इसका उद्देश्य उद्योग जगत, शिक्षा जगत और अनुसंधान संस्थानों से जुड़े विश्व स्तर के अग्रणी व्यक्तियों को एक साथ लाना है। यह सम्मेलन भारत की सेमीकंडक्टर नीति, रणनीति और नीतियों को प्रदर्शित करता है। इसमें प्रमुख कंपनियों ने भी भाग लिया। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत के लिए अवसर ही अवसर हैं। भारत का लोकतंत्र, भारत की जनसंख्या की और भारत से मिलने वाला लाभांश व्यवसाय को 2 गुना से 3 गुना कर सकता है। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का तेजी से विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर यूनिवर्सिटी के लिए रेड कारपेट बिछा रहा है। भारत ग्लोबल सप्लाई चेन की जरूरतों को अच्छी तरह समझता है, अपने फ्यूचर को जोड़ा है। आपने भारत के सामर्थ्य के साथ अपने सपनों को जोड़ा है और भारत किसी को भी निराश नहीं करता है। 21वीं सदी के भारत में आपके लिए अवसर ही अवसर है। भारत की डेमोक्रेसी, भारत की डेमोग्राफी, भारत से मिलने वाला डिविडेंड आपके बिजनेस को भी डबल ट्रिपल करने वाला है। पीएम मोदी ने कहा कि देश का बढ़ता हुआ नया मध्य वर्ग भारत की आकांक्षाओं का पावर हाउस बना हुआ है। मिडिल क्लास, इंडियन एस्पिरेशंस का पावर हाउस बना हुआ है। संभावनाओं से भरे भारत के स्केल के मार्केट के लिए आपको चिप मेकिंग इकोसिस्टम का निर्माण करना है और मुझे विश्वास है जो भी इसमें तेजी से आगे बढ़ेगा उसे फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज मिलना तय है। इससे पहले पीएम ने गांधीनगर के महात्मा मंदिर में सेमकॉन इंडिया 2023 प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान विशेषज्ञों से इस क्षेत्र में हो रही प्रगति की जानकारी हासिल की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज महेंद्रगढ़ जिला में अटेली विधानसभा क्षेत्र के कनीना और सुंदराह गांव में जनसंवाद कार्यक्रम में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और अधिकतर का मौके पर ही निपटान किया। इस दौरान सीएम ने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लोगों से विभिन्न योजनाओं का फीडबैक लिया। कार्यक्रम में आए लोगों ने भी मेरिट पर भर्ती और घर बैठे योजनाओं का लाभ मिलने पर हाथ उठाकर मुख्यमंत्री की बात का समर्थन किया। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर सबसे पहले गरीब का अधिकार है। केंद्र व हरियाणा सरकार ने अपने 8.5 वर्ष से अधिक के कार्यकाल में अंतिम व्यक्ति की सेवा के साथ विकास के अनेक कार्य किए हैं। पहले की पेंशन बैंक के खाते में जाएगी, किसी के हाथ में नगद नहीं मिलेगी, किसी को नगद नहीं मिलेगी। जितने हुए उतने ही जाए और फिर उसके बाद अपने आप बढ़ने का काम ने शुरू कर दिया।
कि 60 साल की उम्र होते ही एक आदमी सरकारी कर्मचारी जाएगा, वो साइन करा के लाएगा, उस पर ये भी लिखा होता है कि मैं पेंशन लेना चाहता हूँ। कुछ ऐसे भी मिलेंगे कि नहीं नहीं मुझे पेंशन नहीं चाहिए। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पंचकुला में एक सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित महिला सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। इस दौरान समारोह में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने संस्था को बधाई देते हुए कहा कि उनके द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए उल्लेखनीय प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में महिलाओं को शिक्षा के पर्याप्त अवसर उपलब्ध होने चाहिए ताकि वे आत्मनिर्भर होकर समाज में अपनी अहम भूमिका निभा सके। प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत हरियाणा से की थी, जिसके चलते आज यह कार्यक्रम पूरे देश में निरंतर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम में प्रदेश सरकार की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे सफल प्रयासों से आज प्रदेश में लिंगानुपात में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कल चंडीगढ़ में अग्नि व आपातकालीन सेवाएं, गृह विभाग, उद्योग व वाणिज्य विभाग और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उप मुख्यमंत्री को बताया गया कि वर्तमान में प्रदेश में 109 सरकारी और 34 निजी फायर स्टेशन हैं, जिनमें आग बुझाने वाली कुल 607 गाड़ी और 102 मोटरसाइकिल हैं। इसके अलावा डिप्टी सीएम के अनुरोध पर हीरो कंपनी द्वारा 100 मोटरसाइकिल सीएसआर फंड के तहत भीड़ वाले क्षेत्रों में जाकर आग पर काबू पाने में सहायता करेंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि फायर स्टेशन को ऐसी जगह स्थापित करना चाहिए जहां से ग्रामीण क्षेत्रों में फसलों में लगने वाली आग को बुझाने के लिए अग्निशमक गाड़ियों को पहुंचाने में परेशानी न हो। उन्होंने राज्य के प्रत्येक इंडस्ट्रियल सेक्टर में कम एक फायर स्टेशन स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने इसके लिए मैपिंग करके प्रथम चरण में खरकोधा, सोहना तथा साहा की आईएमटी में फायर स्टेशन स्थापित करने के निर्देश देते हुए कहा कि 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले सभी शहरों में फायर स्टेशन लगाए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के जरिए चेन्नई में जारी G20 के पर्यावरण और जलवायु मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। बैठक में G20 सदस्य देशों और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के करीब 300 प्रतिनिधि ब्लू इकोनॉमी और क्लाइमेट चेंज जैसे प्रमुख विषयों पर मंथन कर रहे हैं। अपने वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत दुनिया के 5 शीर्ष देशों में से एक है। 2070 तक भारत नेट जीरो के लक्ष्य करने की दिशा में काम कर रहा है। इंडिया इज वन ऑफ द टॉप 5 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। वी हैव ऑल्सो सेट ए टारगेट ऑफ अटेनिंग नेट जीरो बाय 2070। We continue to collaborate. Friends, India is a mega diverse country. We have consistently been at the forefront in taking action on biodiversity conservation, protection, restoration, and enrichment. प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रकृति का संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि संरक्षण के लिए उठाए जा रहे कदम अंत्योदय का जरूर अनुसरण करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे ग्लोबल साउथ देशों को अपने विकास कार्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी। वहीं प्रधानमंत्री ने अमृत सरोवर कैच द रेन कैंपेन का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत में उठाए गए जल संरक्षण की पहलों में जन भागीदारी की अहम भूमिका होती है। प्रोटेक्टिंग एंड केयरिंग फॉर मदर अर्थ is our fundamental responsibility. Today, it has taken the shape of climate action because this duty was ignored by many for a very long time. Based on India's traditional knowledge, I will emphasize that climate action must follow Antyodaya. स-
संसद के मॉनसून सत्र के दौरान आज लोकसभा की कार्रवाई को विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल के दौरान सदन चलाने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने अध्यक्ष से उनकी पार्टी द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर अपना फैसला देने का आग्रह किया। इसका जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रावधान के मुताबिक इस तरह के प्रस्ताव को स्वीकृति के 10 दिनों तक लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रस्ताव का सामना करने के लिए तैयार है। वहीं राज्यसभा की कार्रवाई को विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में 3 विधेयक पारित किए गए। लोकसभा ने खान एवं खनिज विकास और विनियम संशोधन विधेयक 2023, राष्ट्रीय परिचर्या और प्रस्तुति विद्या आयोग विधेयक 2023 और राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023 पारित किया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि विपक्ष शांतिपूर्ण ढंग से चर्चा में भाग नहीं लेता और संसद में किसी भी विधेयक को पारित करने में सहयोग नहीं करता है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष चाहता है कि मणिपुर मामले में सच्चाई सामने आए तो इसके लिए संसद में बेहतर कोई मंच नहीं हो सकता। उनके पास बहुमत है तो और उनके पास संख्या है तो बिल निरस्त करने दो, तब इसका जो हमारा अविश्वास का जरूरत ही नहीं पड़ता है। तो बिल वो शांति से चर्चा में भाग नहीं लेते हैं और पारित करने के लिए कोऑपरेट नहीं करते हैं। हम ये जो भी उनका कंस्ट्रक्टिव सुझाव है हम लेने के लिए तैयार है, लेकिन बीच में ऑल ऑफ ए सडन नो कॉन्फिडेंस लाए, इसलिए कुछ हमारा सरकारी बिजनेस ही नहीं चलना चाहिए क्या? और अगर हमको ये प्रेसिडेंट वगैरह के बारे में ऐसे बात करते हैं तो मैं बोलूँगा आप बिल आप परास्त कर दो, यू डिफीट अवर बिल, सो देन देर इज नो क्वेश्चन ऑफ नो कॉन्फिडेंस बिल एट ऑल, द सेम डे गवर्नमेंट हैज टू गो। फतेहाबाद के किसानों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2000 रुपये की किश्त मिलने पर खुशी जताई है। किसानों ने कल फतेहाबाद के किसान सेवा केंद्र में राजस्थान से प्रधानमंत्री के भाषण का सीधा प्रसारण देखा। पीएम द्वारा किसानों को दी गई सौगातों पर उन्होंने कहा कि यह दिन देश के किसानों के लिए वरदान बनकर आया है। किसानों ने पीएम का धन्यवाद करते हुए कहा कि योजना के अंतर्गत उन्हें जो राशि मिली है उससे वे बाढ़ और बारिश से खराब हुई फसलों की फिर से बिजाई आसानी से कर सकेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पीएम किसान समृद्धि केंद्र और सल्फर युक्त यूरिया की नई किस्म यूरिया गोल्ड किसानों के जीवन में बड़े परिवर्तन लेकर आएगी। मोदी के लिए सम्मेलन था, ये बहुत ही बढ़िया था किसानों के लिए। इसमें ये किसान निधि सम्मान योजना के तहत जो क्योंकि किस्त डाली गई है किसानों के खाते में, वो बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि बाढ़ के कारण जो किसान मान धान की बिजाई करेगा उसमें बहुत ही फायदेमंद है। गरीब किसान के खाते में ये मोदी जी द्वारा स्कीम चलाई गई है, 2000 रुपये आते हैं, इससे उसको उर्वरक फर्टिलाइजर लेने में आसानी होती है और ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। के लिए जो अभी पैसा दिया है बहुत बढ़िया स्कीम है, बाढ़ में लोगों को सहायता होगी, लेकिन दोबारा लोगों को अभी धान लगाना पड़ेगा, उनमें भी काफ़ी सहायता मिलेगी। खासकर तो आज एक अपना जो सल्फर कोटेड यूरिया है उसके रिलेटेड उनका प्रोग्राम रहा, उनके वार्तालाप उन्होंने बताई है, वार्तालाप बताया है लोगों को इसका क्या फायदा है, कितने रुपये का ये गट्टा यूरिया का मिल रहा है बाहर के मुकाबले, तो ये सब कुछ चल रहा है। वहीं क्षेत्रीय कृषि विकास अधिकारी डॉक्टर संदीप सिंह ने कहा कि पीएम ने यूरिया की जो नई किस्म लॉन्च की है उससे भूमि की उर्वरा शक्ति के साथ साथ फसल की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा गोल्ड यूरिया, यूरिया गोल्ड के नाम से यूरिया का प्रोडक्ट जारी किया गया जो किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। इस यूरिया के अंदर नाइट्रोजन की 37% मात्रा के साथ साथ 14% सल्फर भी दिया गया है। आमतौर पर हमारे जो किसान है वो सल्फर नहीं डालते हैं, तो ये जो यूरिया अब नया लॉन्च हुआ है, जो यूरिया आएगा ये सल्फर से कोटेड ही यूरिया आएगी। इसका क्या लाभ होगा? सल्फर की जो क्वांटिटी है पौधे की क्वालिटी बढ़ाने के लिए काम आती है, जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में काम आती है, जमीन की जो कैपेबिलिटी है पानी चूसने की जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए यूरिया की बहुत ज़रूरत है। हमारे किसान आमतौर पर यूरिया तो डालते हैं लेकिन सल्फर नहीं डाल पाते। अब जब ये सल्फर कोटेड यूरिया आएगा उसी कीमत पर तो किसानों को निश्चित लाभ होगा।
उधर पलवल जिले के किसानों ने भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सहायता राशि मिलने पर प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि गरीब किसानों के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, इन रुपये से उन्हें खाद, दवाई और बीज खरीदने में काफी मदद मिलेगी। किसान सम्मानित जो योजना चलाई हुई है प्रधानमंत्री के द्वारा, उससे किसानों को बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है और हमारे हर महीने खाते में आ जाते हैं, जब भी वो डालते हैं जब भी आ जाते हैं, और उससे हम बहुत फायदा उठा रहे हैं और ये योजना बहुत ही अच्छी चल रही है और इससे लोग सब खुश हैं। बीज ले लेते हैं, खाद ले लेते हैं, इससे तो गरीब आदमी का तो काम चलता ही चलता है। इससे बहुत अच्छी योजना है जो कि हमें वार्षिक 6,000 रुपये हमें खाते में आ जाते हैं और उसके अंतर्गत हम अपने कृषि संबंधित खाद, बीज और कुछ छोटे मोटे उपकरण भी हम ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने छोटे किसानों के लिए बहुत अच्छी योजना चलाई है। वहीं कृषि उपनिदेशक ने बताया कि पलवल जिले के करीब 82,000 लाभार्थी इस योजना से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने EKYC नहीं करवाई वे जल्द करवा लें ताकि योजना का लाभ उन्हें भी मिल सके। किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को साल में 2,000 के हिसाब से 6,000 रुपये का फायदा दिया जाता है और जिला पलवल में लगभग 82,000 किसान इसके बेनिफिशियरी हैं, जिसमें से 62,000 ने EKYC करवा रखा है। 25% पेंडिंग है, तो मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि जिन किसानों ने EKYC नहीं करवाया है वो EKYC करवा लें ताकि इस किसान सम्मान निधि का फायदा वो भी प्राप्त कर सकें। हरियाणा योग आयोग द्वारा ITBP भानु पंचकुला में योग शिविर का आयोजन किया गया। हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन डॉक्टर जयदीप आर्या ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि योग व्यक्ति को निरोग का विश्वास देता है। भारत के आध्यात्मिक केंद्रों ने जिस योग ऊर्जा को सदियों से पोषित किया, आज वो पूरे विश्व को स्वास्थ्य के प्रति दिशा दे रही है। आज योग वैश्विक सहयोग का पारस्परिक आधार बन रहा है। उन्होंने योग को बढ़ावा देने के लिए ITBP भानु की सराहना की। वहीं ITBP भानु के महानिरीक्षक ईश्वर सिंह धून ने कहा कि हरियाणा योग आयोग से हमने बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने बताया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर 75,00,000 सूर्य नमस्कार कार्यक्रम की शुरुआत राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा यहीं से की गई थी। स्वस्थ रहने के लिए हमें योग को अपने जीवन का अहम हिस्सा बनाना चाहिए। RBI ने कहा कि स्टार अंकित करेंसी नोट पर पूरी तरह से वैध है। RBI ने स्टार निशान वाले नोट की वैधता पर जताई जा रही सारी आशंकाओं को खारिज किया और कहा कि यह नोट अन्य वैध नोटों की ही तरह है। ऐसे नोट का स्टार निशान यह दर्शाता है कि उसे बदले गए या दोबारा प्रिंट किए गए नोट की जगह जारी किया गया है। स्टार का यह निशान नोट के नंबर और उसके पहले दर्ज होने वाले अक्षरों के बीच में लगाया जाता है। केंद्रीय बैंक ने यह स्पष्टीकरण नोटों के नंबर पैनल में स्टार निशान पर उसकी वैधता को लेकर कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में आशंकाएं जाहिर करने के बाद दिया है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।